नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में जो बीए थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर जिसमें भारतीय प्रमुख थिंकरों के बारे में दिया गया है वेस्टर्न, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हमने इनसे पूर्व हॉब्स लॉक के भी सामाजिक समझौते पढ़े हैं, इसके अलावा अरस्तु, प्लेटो और मैकियावेली, इन विचारकों का भी हमने अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रूसो के संदर्भ में, जीन जैक्स रूसो के संदर्भ में हम बात करेंगे, क्योंकि हम इसके पूर्व में इसकी जीवन परिचय के बारे में बात कर चुके हैं, रूसो के पुस्तकों के बारे में बात कर चुके हैं। इनकी सबसे जो प्रमुख पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखी गई थी, उसके संदर्भ में उसी में जो ये सामाजिक समझौता दिया गया है उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, मानव स्वभाव के संदर्भ में कल हमने बात की कि इन्होंने कहा कि तीन चरणों में होते हैं मनुष्य का विकास। प्रथम चरण में जब मनुष्य बहुत ही एकांकी और आदर्श जीवन व्यतीत करता है, यानी कि उसमें स्वार्थ की भावना नहीं होती प्रथम चरण में, और मनुष्य का जैसे जैसे विकास होता है और जब वो अंतिम चरम अवस्था पे पहुंच जाता है तो वैज्ञानिकता आने के कारण क्या होता है कि न्याय प्रभावित होता है और अत्याचार होने लग जाता है, इससे राज्य की उत्पत्ति की आवश्यकता पड़ती है और न्याय की स्थापना की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम बात करें प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में, मानव स्वभाव के संदर्भ में तो कहा था रूसो ने कि जब मनुष्य जन्म लेता है तब वो एक सकारात्मक सोच का होता है, एक पारदर्शी होता है, लेकिन जैसे ही वो तकनीकों के संपर्क में आता है, विज्ञान के संपर्क में आता है, तो उसमें क्या होता है, स्वार्थ, भ्रष्टाचार जैसी, बेईमान जैसी अवगुण पैदा हो जाते हैं। ये किसका मानना था, रूसो का। इन्होंने होब्स की तरह ना तो मनुष्य को दुर्गुणी बताया यानी अविवेकी बताया, और ना ही इसने लोक की तरह मनुष्य को विवेकी बताया। इन्होंने कहा मनुष्य के पास विवेक था और विवेकशील, ईमानदार था, लेकिन जब बुद्धि का विकास हुआ अधिक से अधिक, तो बुद्धि से क्या हुआ कि मनुष्य का शोषण और अत्याचार बढ़ने लगा। यह रूसो का मानना था। रूसो के अनुसार जो अत्याचार हुआ वो सब बुद्धि के कारण हुआ, विज्ञान के कारण हुआ, ये मानना था किसका, रूसो का। रूसो ने इस संदर्भ में एक नारा दिया, उसमें कहा गया कि प्रकृति की ओर लौट चलो। किसकी ओर लौट चलो, प्रकृति की ओर लौट चलो, यानी फिर से वो ही जंगली जीवन जीने लग जाओ, एकांकी जीवन जीने लग जाओ। क्योंकि जो इनका प्रथम चरण जो भी सामाजिक समझौता करता है वो प्रथम चरण की ओर ले जाता है, राज्य की स्थापना तो होती है लेकिन एक विज्ञान को समाप्त करने की बात कहता है रूसो, कि विज्ञान का महत्व नहीं, उससे हानियाँ होती है। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि इसकी प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में, कि प्राकृतिक अवस्था तीन चरणों के संदर्भ में हम कल क्लास में बात कर चुके हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं आज सामाजिक समझौते के कारण, कि मनुष्य को ऐसी क्या आवश्यकता हो गई थी कि सामाजिक समझौता होना अति आवश्यक हो गया था। ऐसी क्या आवश्यकता थी इसलिए सामाजिक समझौते की आवश्यकता पड़ी
यह रूसों ने कहा कि सामाजिक समझौते की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मनुष्य स्वार्थी हो गया, उसका विज्ञान का विकास होने की वजह से हम की भावना का विकास हो गया, भूमि घेर के कहने लगा कि ये मेरी भूमि है, वस्तुओं का आदान प्रदान करना रोक दिया, यानी स्वार्थ की भावना। सब व्यक्ति निजी संपत्ति का विकास करने लगे, इससे क्या हुआ, इससे भेदभाव होने लगा। तो यहाँ पर कहा गया कि जो संपत्तिशील है वह शोषण करने लग गए। इस प्रकार से हम बात करें सामाजिक समझौते का प्रमुख कारण यह है कि सभी मनुष्य अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे और न्याय की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही कोई न्याय की व्यवस्था थी, ना ही कोई राज्य था और ना ही कोई समाज था। इसलिए इन सब की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई। देखिए, हम यहाँ बात करते हैं सामाजिक समझौते के संदर्भ में कि सामाजिक समझौता कैसे हुआ, सामाजिक समझौता कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। जैसे आपने देखा हॉब्स और लॉक के संदर्भ में, उन्होंने सामाजिक समझौता किया और प्राकृतिक व विकासवादी जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत था उसका खंडन किया। उसी प्रकार से रूसो ने भी प्राकृतिक और विकासात्मक जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत था उसका क्या किया, इन्होंने खंडन किया। तो हम बात करते हैं सामाजिक समझौते के बारे में। यहाँ पे रूसो का कहना है सभी व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होने के बाद में सब अपनी यथार्थ इच्छा प्रकट करते हैं, यानी एक्चुअल विल, यथार्थ इच्छा। ये एक ऐसी इच्छा होती है जो स्वार्थ पर आधारित होती है, यानी हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ पर आधारित इच्छा प्रकट करता है और अपनी इच्छाओं को जाहिर करता है, अपने लिए कानून बनाने के लिए कहता है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कहता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक यथार्थ इच्छा प्रकट की जाती है, यानी एक्चुअल विल, हम कह सकते हैं इसे एक स्वार्थी, स्वार्थ पर आधारित इच्छा होगी। इन्होंने दो प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया है रूसो ने, एक तो एक्चुअल विल और एक जर्नल विल, यानी कि यथार्थ इच्छा और सामान्य इच्छा। देखिए, यथार्थ इच्छा स्वार्थ पर आधारित है जबकि सामान्य इच्छा परमार्थ पर आधारित है, यानी कि हम बात करें तो यथार्थ इच्छा व्यक्तिगत इच्छा होती है जबकि सामान्य इच्छा सामूहिक इच्छा होती है, सबकी इच्छा होती है, यानी कि सारे समाज की इच्छा होती है। ये सामान्य इच्छा एक बहुमत की इच्छा नहीं होती बल्कि पूरे संपूर्ण समाज की इच्छा होती है, ये एक परोपकारी इच्छा होती है, समाज के विकास की इच्छा होती है, सबके भलाई के लिए होती है। तो ये एक व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत भलाई के लिए नहीं होते। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं सामाजिक समझौते के संदर्भ में। देखिए, हम बात करें कुछ व्यक्ति इकट्ठे हुए इस स्थान पर, यहाँ पर कुछ व्यक्ति इकट्ठे हुए, यहाँ पर इकट्ठे हुए, लेकिन इकट्ठे होने के संदर्भ में हम बात करें तो इकट्ठे होने के बाद ही क्या हुआ, एक समाज का विकास हुआ, समाज का निर्माण हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि इकट्ठे होने के बाद में जो समझौता हुआ उसके बाद में ही एक संपूर्ण संप्रभु समाज की स्थापना होगी, ना कि एक सरकार की स्थापना होगी। हम कह सकते हैं कि यह जो सामाजिक समझौता होगा, यह जो सामाजिक समझौता होगा, इसके माध्यम से
सरकार की स्थापना नहीं होती, इसके माध्यम से स्थापना किसकी होगी? राज्य की होगी, समाज की होगी। यहाँ पर समाज और राज्य में रूसो ने कोई अंतर नहीं किया, लेकिन सरकार और राज्य में अंतर किया है। इन्होंने कहा कि जो ये संपूर्ण संप्रभुत्व राज्य बनेगा, संपूर्ण संप्रभुत्व समाज बनेगा, यही सरकार की नियुक्ति करेगा। यानी कि यहाँ पर जो सब व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, वह अपने अधिकार व स्वतंत्रताओं को, शक्ति को किसको समर्पित कर देंगे? समाज को। देखिए, हम बात करें प्रत्येक व्यक्ति की कुछ शक्ति, कुछ अधिकार, कुछ स्वतंत्रताएं होती है, हर व्यक्ति में निहित होती है। तो सभी व्यक्तियों ने मिलकर के अपने अधिकार और स्वतंत्रता संपूर्ण समाज में स्थापित कर दिया, यानी कि संपूर्ण समाज को दे दिया कि हमारे अधिकार और हमारी स्वतंत्रता हमने आपको समर्पित कर दी, हमने आपको शक्ति दे दी। समाज क्या करेगा? समाज एक सरकार की स्थापना करेगा और वो सरकार राष्ट्र का संचालन करने का कार्य करेगी। यानी यहाँ पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो यहाँ पर लोकप्रिय संप्रभुता की स्थापना होती है। किस प्रकार की संप्रभुता की स्थापना होती है? लोकप्रिय संप्रभुता की स्थापना होती है, और लोकप्रिय संप्रभुता के जनक कौन कहलाते हैं? रूसो। जिस प्रकार से हमने बात की कि कानूनी संप्रभुता के समर्थक कौन थे? हॉब्स। जबकि जनक कौन है? ऑस्टिन। हम बात करें तो राजनीतिक संप्रभुता के जनक कौन थे? जॉन लॉक थे। उसी प्रकार लोकप्रिय संप्रभुता के जनक कौन है? रूसो है। यह तीनों प्रकार मैंने बताया था आपको, किसके है? एकलवादी संप्रभुता के। यानी एकलवादी संप्रभुता की तीन शाखाओं में विभाजित किया गया है, कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता और लोकप्रिय संप्रभुता, जिसमें से लोकप्रिय संप्रभुता के जनक कौन है? रूसो है। कौन है? रूसो है। हम बात करते हैं सामाजिक समझौते के संदर्भ में कि सामाजिक समझौता किस प्रकार किया? कुछ व्यक्ति इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने के बाद में अपने अधिकार व स्वतंत्रता समाज को समर्पित कर दिया, और समाज से किसकी स्थापना हुई? एक राज्य की स्थापना हुई, और राज्य ने किसकी नियुक्ति की? सरकार की नियुक्ति की। सरकार की नियुक्ति की, और सरकार का कार्य है देश को संचालन करना, लोगों के लिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, परोपकारी राज्य की स्थापना करना, इनके अधिकार व स्वतंत्रता इन्हें वापस लौटाना, ये किसका कार्य है? सरकार का कार्य है। ये किसने कहा? ये रूसो ने कहा कि मेरा समझौता एक ऐसा समझौता होगा जो लोकप्रिय संप्रभुता की नींव रखता हो, जिसमें जनता के अधिकार व स्वतंत्रता की रक्षा होती हो, वैसा एक मेरा क्या होगा? राज्य होगा। यह किसका कहना था? यह रूसो का कहना था। हमने यहाँ पर पढ़ा कि सबसे पहले हर व्यक्ति यथार्थ इच्छा प्रकट करता है, यानी कि व्यक्तिगत इच्छा प्रकट करता है, यानी स्वार्थ पर आधारित इच्छा प्रकट करता है। लेकिन जब उसे महसूस होता है कि सभी व्यक्ति स्वार्थ पर आधारित व्यक्तिगत इच्छाएं प्रकट करते हैं, तो उसे अपनी यथार्थ इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, और यथार्थ इच्छाओं को त्याग करके सभी व्यक्ति कैसी इच्छा प्रकट करते हैं?
सामान्य इच्छा प्रकट करते हैं। यहाँ पर जब सामान्य इच्छा प्रकट करते हैं तो सभी व्यक्तियों में सहमति हो जाती है, क्योंकि जो सामान्य इच्छा होती है वो सबकी इच्छा होती है, ना कि एक व्यक्तिगत इच्छा पर आधारित, क्योंकि सामान्य इच्छा परार्थ पर आधारित होती है। यानी कि सामान्य इच्छा के बारे में हम बात करें तो सामान्य इच्छा परोपकारी होती है, वो सबकी भलाई के लिए होती है। इसीलिए यहाँ पर जो इच्छा प्रकट हुई अंतिम रूप से सरकार व राज्य की स्थापना के लिए, वह कौन सी इच्छा हुई? वह हुई सामान्य इच्छा, जनरल विल इच्छा। ये था सामाजिक समझौता। देखिए, हमने पढ़ा इस प्रकार मानव स्वभाव प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में, इसके अलावा हमने पढ़ा सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौते के कारण, इन सभी के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। इसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक समझौते की कुछ विशेषताएं, यानी इन विशेषताओं के कारण सामाजिक समझौता हुआ है। जो समझौता हुआ है उसकी क्या क्या विशेषता है, अगर इन विशेषताओं को तोड़ दिया जाए, इन विशेषताओं को तोड़ दिया जाए तो फिर से मनुष्य जो तीसरा चरण होगा उसमें पहुंच जाएगा, फिर उसे सामाजिक समझौते की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम बात करें पहले सामाजिक समझौते की विशेषता के संदर्भ में, संपूर्ण शक्ति व अधिकार समाज को समर्पित। देखिए, हर व्यक्ति जब यहाँ पर सामाजिक समझौता होता है, सामाजिक समझौता होता है तो यहाँ पर क्या होता है, सब अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं। लेकिन जब इन पे यथार्थ इच्छाओं पर सहमति प्रकट नहीं होती, क्योंकि ये स्वार्थ पर आधारित होती है, इसलिए यहाँ पर यथार्थ इच्छा पर किसी भी प्रकार की कोई सहमति प्रकट नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर फिर कौन सी इच्छा प्रकट की जाती है, वो यथार्थ इच्छा प्रकट की जाती है। किस प्रकार की इच्छा प्रकट की जाती है, यथार्थ इच्छा प्रकट की जाती है, और ये यथार्थ इच्छा सबकी भलाई के लिए होती है, सबकी भलाई के लिए होती है। इसी कारण से, सबकी भलाई को होने के कारण से इस पे सहमति बन जाती है, सहमति बन जाती है। तो यहाँ पर जो संपूर्ण समाज होता है वह अपने अधिकार शक्ति और स्वतंत्रता को किसको समर्पित कर देता है, संपूर्ण राज्य को, किसको, संपूर्ण राज्य को। यानी कि अपनी जो संपूर्ण शक्ति व अधिकार होती है वह समाज को समर्पित कर देता है, समाज को सौंप देता है। उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत अधिकार व स्वतंत्रता नहीं रहती, अपने कोई शक्ति नहीं रहती। यह इसके सामाजिक समझौते की प्रथम विशेषता है, किसकी, रूसो की। देखिए, हम बात करते हैं द्वितीय विशेषता के बाद में, सामूहिक व्यक्तित्व की स्थापित करना। यानी कि इनका कहना है रूसो का कि व्यक्तिगत व्यक्तित्व कोई भी नहीं होगा, व्यक्तिगत व्यक्तित्व कोई भी नहीं होगा, सबका एक सामूहिक व्यक्तित्व होगा। यानी कि यहाँ पर व्यक्तित्व के बारे में भी रूसो ने क्या कहा कि मेरा सामाजिक समझौता ऐसा समझौता होगा जिसमें क्या होगा, सामूहिक व्यक्तित्व की स्थापना होगी। क्या होगी, सामूहिक व्यक्तित्व की स्थापना होगी, ना कि किसी व्यक्तिगत की स्थापना होगी। यह किसका मानना था, यह रूसो का मानना था। देखिए, अगली विशेषता के बारे में हम बात करते हैं, व्यक्तिगत इच्छा के स्थान पर सामान्य इच्छा। क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत इच्छा होती है
वो स्वार्थ पर आधारित होती है, वो परोपकार पर आधारित नहीं होती। स्वार्थ पर आधारित होने के कारण यहाँ पर व्यक्तिगत इच्छा को महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि व्यक्तिगत इच्छा पर सहमति नहीं बनी, यथार्थ इच्छा पर सहमति नहीं बनी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं होती है। इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिगत इच्छा के स्थान पर सामान्य इच्छा को महत्वपूर्ण माना, और सामान्य इच्छा को मानने के कारण ही क्या हुआ है, सामाजिक समझौता। देखिए किसको, कौन सी इच्छा को मानने के कारण, सामान्य इच्छा को मानने के कारण। यानी हम बात करें तो सामान्य इच्छा बहुत ही क्या है, मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना सामान्य इच्छा के एक सामाजिक समझौता संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत इच्छाएं तो सबकी भिन्न भिन्न होती है, और अगर व्यक्तिगत इच्छा होगी तो वो किस पर आधारित होगी, स्वार्थ पर आधारित। क्या स्वार्थ पर आधारित इच्छा होने पर राज्य की उत्पत्ति हो सकती है, नहीं होगी, क्योंकि आप सब अपने अपने स्वार्थ के कारण राज्य को महत्व देंगे ही नहीं, ऐसे तो परोपकार की भावना उत्पन्न होगी नहीं, सब अपना अपना स्वार्थ सोचेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए यथार्थ इच्छा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। किसके अनुसार, रूसो के अनुसार। रूसो के अनुसार जो इच्छा सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है वो कौन सी इच्छा है, वो है सामान्य इच्छा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि व्यक्तिगत इच्छा के स्थान पर सामान्य इच्छा को महत्व दिया गया, किसमें, सामाजिक समझौते में। देखिए हम बात करें अगली विशेषता के संदर्भ में कि राज्य एक सावयवी समाज था या राज्य है, यानी कि इसका सावयवी का अर्थ होगा व्यक्ति, जिस प्रकार एक व्यक्ति का शरीर होता है और उसके विभिन्न अंग होते हैं, उसी प्रकार राज्य क्या होता है, एक शरीर होता है और समाज व अन्य संस्थाएं क्या होती है, उसकी एक शाखाएं होती है। देखिए यहाँ पर हम देखें तो इन्होंने मनुष्य की जो अवधारणा है उसके द्वारा समझाने की कोशिश की है रूसो ने। रूसो का मानना है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो ना तो विकासवादी थी, ना ही कोई ऐतिहासिक थी, ना ही कोई प्राकृतिक थी, क्योंकि कुछ विचारकों का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति धीरे धीरे विकास के माध्यम से हुई है, तो कुछ का मानना था कि राज्य जन्मजात हुआ है, नेचुरल हुआ है, तो कुछ का मानना था राज्य शक्ति से उत्पन्न हुआ है, एक शक्तिशाली व्यक्ति आया और उसने सब पर अधिकार करके राज्य की घोषणा की, तो कुछ का मानना है कि राज्य शक्ति और निरंकुशता के कारण आया। तो इसी प्रकार से सबका अलग अलग मानना है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। उन सभी का खंडन किया किसने, रूसो ने। रूसो का मानना है ना कोई सामाजिक समझौता, ना कोई विकासात्मक समझौता हुआ है, ना कोई ऐतिहासिक कारण से हुआ है, ना कोई विकासवादी से हुआ है, अरे राज्य की उत्पत्ति हुई है तो किससे हुई है, एक सामाजिक समझौते के माध्यम से हुई है। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा मानव स्वभाव के बारे में, कल पढ़ चुके थे मानव जो कि प्राकृतिक अवस्था है उसके संदर्भ में वार्तालाप की, कल सामाजिक समझौते के कारण पढ़े आज, और इसके अलावा हमने सामाजिक समझौते जिसमें यथार्थ इच्छा और सामान्य इच्छा के बारे में अध्ययन किया, इसके अलावा हमने जो रूसो का सामाजिक समझौता है उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे रूसो की जो सामाजिक समझौता हुआ है उसकी आलोचना किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि ये इसे प्राकृतिक अवस्था
से काल्पनिक माना जाता है, मानव स्वभाव का गलत अध्ययन माना जाता है, विचित्र विरोधाभास, सामाजिक प्रकृति के सिद्धांत का विरोध किया जाता है, राज्य का समझौते का परिणाम नहीं बल्कि विकास का माना जाता है। इसी प्रकार से इन्हीं आधारों पे हम रूसो के सामाजिक समझौते की आलोचना करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।